बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। घर से नहीं निकलना तो आप हम अपने घर से आज भी निकलते हैं तो हमारे घर में भी मंदिर है जो हमने हर ब्राह्मण के यहाँ कुछ ना कुछ अपना रखते ही हम लोग, और लोग भी रखते हैं और वहां हम लोग पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की भी पूजा करते हैं, वो हमारे आराध्य देवी है। तो लेकिन ये कहना कि नहीं नहीं इनका तो हमने ठेका ले लिया, और किस बात का ठेका ले लिया कि इनका दर्शन कौन करेगा, इनके नाम से पैसा कौन कर लेगा, इनको वोट कौन, इनके नाम पे वोट कौन लेगा, ये सब हमने तय कर लिया। हमने कहा हम वोट की राजनीति करने यहाँ नहीं आए, हम यहाँ पर देखने आए, भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने आए। और अयोध्या में जब गए, जैसे आप यहाँ तो कार्य हमने पूरे करा दिए थे, अब देख रेख नहीं हो रही, यहाँ के जो लोग भी पार्टी के MLA हो, मंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कार्य तो सारे हो गए संपूर्ण, उनकी कम से कम देख रेख ही करते रहे। लेकिन अयोध्या में जब हम गए तो अयोध्या में तो हमने सोचा था कि लाखों लाख करोड़ रुपया तो सरकार के खजाने से इन्होंने कहा मैंने खर्च किए, और कई लाख करोड़ रुपया तो इन्होंने चलने में ले लिए, 93 से लेके अभी तक मंदिर के नाम पे चंदा ले रहे भगवान श्री राम के नाम पे। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनका कोई योगदान नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा जब तय हुआ और वहां पर जमीन दी गई तो उसके बाद फिर से मंदिर बनाने का काम नहीं, झोला लेकर के सबको घरे घर घर भेज दिया गया कि इसमें पैसा डाल दो, भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना है। हजारों करोड़ रुपया फिर ले लिया, दसियों हजार करोड़ रुपया अभी न्यायालय के निर्णय आने के बाद ले लिया, उसका हिसाब कहां है? इनसे हिसाब, मैंने तो इतने ही कहा कि अपना हिसाब दे दीजिए कि कितने लाख करोड़ रुपया आपका विदेशों से लेके देश में मिला आपको और उसका आप इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। अयोध्या नगरी में अगर आप जाएंगे, हम तो सोच रहे थे सोने की नगरी की तरह बन गई है, लेकिन जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत बुरा हाल, बहुत खस्ता हाल दिखेगा, क्योंकि वहां कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया। आपके यहां तो विकास का कार्य हुआ, उसको बनाने का, उसको संभाल के रखने का कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास का कार्य 2007 से 12 के बीच में हुआ था, पर वहां पर ये कोई कार्य नहीं हुआ। हमने जब कहा कि आप हमको रोक तो रहे, लेकिन मैं आज यहां पर ये कह के जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, और सरकार बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जैसे हम गए थे और वहां पर जाकर के समग्र विकास करने का काम किया था, अयोध्या में भी जाकर के हम वहां पर समग्र विकास करने का कार्य करेंगे, और हम उसको जो चीजें वहां के लोगों को चाहिए मूलभूत, वो सब दिलवाने का काम करेंगे, उनको देने का काम करेंगे। आज आपको ये जरूरी है जानना कि ये बातें धर्म की है जो करते हैं, आपके पास खाली आके वोट के नाम, वोट के समय करते हैं, ऐसे नहीं करते। पर कभी आप इनसे पूछ लेंगे, हमारे नौजवान साथी ने पूछ लिया तो उनको कितना बदतमीजी वाला जवाब दिया, ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम। उन्होंने कहा कि हमारा आपने तो वादा किया था कि आप 15 लाख देंगे, आपने चलिए कह दिया 15 लाख हर खाते में जाएगा, वो तो झूठा एक वो था, जुमला था, जुमला हो गया। लेकिन आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को हर साल, उसका क्या? अब तो आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम शुरू कर दिया। तो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कहते हैं कि आप, जब हमने ये प्रश्न वहां पर किया तो हमसे कहते हैं आप क्या